आज हम बाबा के गुरुकुल में विपिन चंद्र द्वारा लिखित आधुनिक भारत के इतिहास के चैप्टर 10 धार्मिक और सामाजिक सुधार 1858 के बाद को पढ़ेंगे। ये इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। अगर आप पहले पार्ट को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी फायदा हो सके। आपका सपोर्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो हम शुरू करते हैं। मोहम्मद इकबाल, आधुनिक भारत के महानतम कवियों में एक मोहम्मद इकबाल, जिनका जीवन काल 1876 से 1938 का था, ने भी अपनी कविता द्वारा नौजवान मुसलमानों तथा हिंदुओं के दार्शनिक एवं धार्मिक दृष्टिकोण पर गहरा प्रभाव डाला। स्वामी विवेकानंद की तरह उन्होंने भी निरंतर परिवर्तन तथा आबाध कर्म पर बल दिया और विराग, ध्यान तथा एकांतवाद की निंदा की। उन्होंने एक गतिमान दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया जो दुनिया को बदलने में सहायक हो। वे मूलतः एक मानवतावादी थे। वास्तव में उन्होंने मानव कर्म को मुख्य धर्म की स्थिति तक पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य को प्रकृति या सत्ताधीशों के अधीन नहीं होना चाहिए, बल्कि निरंतर कर्म द्वारा इस विश्वास को नियंत्रित करना चाहिए। उनके विचार में स्थित कोई निष्क्रिय रूप से स्वीकार करने से बड़ा पाप कोई नहीं है। कर्मकांड, विराग तथा दूसरी दुनिया में विश्वास की प्रवृत्ति की निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि मनुष्य को इसी जीती जागती दुनिया में सुख प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। अपनी आरंभिक कविता में उन्होंने देशभक्त के गीत गाए हैं। हालांकि बाद में उन्होंने मुस्लिम अलगाववाद का समर्थन किया। अब हम पारसियों में धार्मिक सुधार को पढ़ेंगे। पारसी लोगों में धार्मिक सुधार की शुरुआत बंबई में 19वीं सदी में आरंभ हुई। 1851 में रहमानी मजदायासन सभा यानी रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन का आरंभ नौरोजी फर्दुनजी, दादा भाई नौरोजी, एसएस बंगाली तथा अन्य लोगों ने किया। इन सभी ने धर्म के क्षेत्र में हावी रूढ़वाद के खिलाफ आंदोलन चलाया और स्त्रियों की शिक्षा तथा विवाह और कुल मिलाकर स्त्रियों की सामाजिक स्थिति के बारे में पारसी सामाजिक रीति रिवाजों के आधुनिकीकरण का आरंभ किया। कालांतर में पारसी लोग सामाजिक क्षेत्र में पश्चिमीकरण की दृष्टि से भारतीय समाज के सबसे अधिक विकसित अंग बन गए। अब हम सिखों में धार्मिक सुधार को पढ़ेंगे। सिख लोगों में धार्मिक सुधार का आरंभ 19वीं सदी के अंत में हुआ, जब अमृतसर में खालसा कॉलेज की स्थापना हुई। लेकिन सुधार के प्रयासों को बल 1920 के बाद मिला, जब पंजाब में अकाली आंदोलन का आरंभ हुआ। अकालियों का मुख्य उद्देश्य गुरुद्वारों के प्रबंध का शुद्धिकरण करना था। इन गुरुद्वारों को भक्त सिखों की ओर से जमीनें और धन दान स्वरूप मिलते थे, परंतु इनका प्रबंध भ्रष्ट तथा स्वार्थी महंतों द्वारा मनमाने ढंग से किया जा रहा था। अकालियों के नेतृत्व में सिख जनता ने इन महंतों तथा इनकी सहायता करने वाली सरकार के खिलाफ एक शक्तिशाली सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया। जल्द ही अकालियों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह एक सिख गुरुद्वारा कानून बनाए। यह कानून 1922 में बना और 1925 में इसमें संशोधन किए गए। कभी कभी इस कानून की सहायता से, मगर अधिकतर सीधी कार्यवाही के द्वारा सिखों ने गुरुद्वारों से भ्रष्ट महंतों को धीरे धीरे बाहर खदेड़ दिया। हालांकि इन आंदोलन में
सैकड़ों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा। ऊपर जिन सुधार आंदोलनों तथा विशिष्ट सुधारों का वर्णन किया गया है उनसे अलग बहुत से दूसरे इसी तरह के आंदोलन और सुधारक भी 19वीं सदी तथा 20वीं सदी में हुए हैं। आधुनिक युग के धार्मिक सुधार के आंदोलन में एक बुनियादी समानता पाई जाती है। ये सभी आंदोलन बुद्धिवाद तथा मानवतावाद के दो सिद्धांतों पर आधारित थे। हालांकि अपनी ओर लोगों को खींचने के लिए कभी कभी वे आस्था तथा प्राचीन ग्रंथों का सहारा भी लेते थे। इसके अलावा उन्होंने उभरते हुए मध्य वर्ग आधुनिक शिक्षा प्राप्त प्रबुद्ध लोगों को सबसे अधिक प्रभावित किया। उन्होंने बुद्ध विरोधी धार्मिक कठमुल्लापन तथा अंधश्रद्धा से मानव बुद्धि के तर्क विचार की क्षमता को मुक्त कराने का प्रयास किया। उन्होंने भारतीय धर्मों के कर्मकांडी अंधविश्वासी बुद्ध विरोधी तथा पुराणपंथी पक्षों का विरोध किया। उनमें से अनेक ने किसी ने कम और किसी ने अधिक धर्म को अंतिम सत्य का भंडार मानने से इनकार कर दिया तथा किसी भी धर्म या उसके ग्रंथों में उपस्थित सत्य को तर्क बुद्धि तथा विज्ञान की कसौटी पर परखा। स्वामी विवेकानंद ने कहा, क्या धर्म बुद्धि के उन आविष्कारों द्वारा अपना औचित्य सिद्ध करेगा जिनके द्वारा प्रत्येक विज्ञान अपना औचित्य स्थापित करता है? क्या जांच पड़ताल की वे विधियां जो विज्ञानों तथा ज्ञान के लिए प्रमुख होती हैं धर्म के विज्ञान पर भी लागू की जाएंगी? मेरे विचार में ऐसा ही होना चाहिए। और मैं यह भी मानता हूं कि यह जितनी जल्दी हो उतना ही बेहतर है। इनमें से कुछ धर्म सुधारकों ने परंपरा का सहारा लिया और यह दावा किया कि वे केवल अतीत के वास्तविक सिद्धांतों मान्यताओं और व्यवहारों को ही पुनर्जीवित कर रहे हैं। पर वास्तव में अतीत को पुनर्जीवित नहीं किया जा सका। प्रायः अतीत के बारे में सबकी समझ भी एक जैसी न थी। अतीत का सहारा लेने पर जो समस्याएं उठती हैं उनका वर्णन जस्टिस राणा डे ने किया है। हालांकि खुद उन्होंने अक्सर जनता से आग्रह किया था कि वह अतीत की बेहतरीन परंपराओं को पुनर्जीवित करें। वह लिखते हैं, पुनर्जीवित हम करें तो क्या हम अपनी जनता की पुरानी आदतों को पुनर्जीवित करें? जब हमारी जातियों में सबसे पवित्र जाति भी पशु के मांस तथा नशीली शराब का सेवन करती थी जिन्हें हम आज घृणित समझते हैं, क्या हम पुत्रों की 12 श्रेणियों तथा 8 प्रकार के विवाह को पुनर्जीवित करें जिसमें राक्षस विवाह भी शामिल था तथा जो मुक्त तथा अवैध यौन संबंध को मान्यता देता था? क्या हम प्रतिवर्ष होने वाले शतमेध को पुनर्जीवित करें जिसमें मनुष्यों तक का देवता के आगे बलिदान दिया जाता था? क्या हम सती और शिशु हत्या की प्रथाओं को पुनर्जीवित करें? फिर राणा डे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समाज एक निरंतर परिवर्तनशील जीवित सत्ता है और कभी अतीत की ओर नहीं पलट सकती। उन्होंने लिखा है, मृत तथा दफनाए या जलाए जा चुके लोग हमेशा के लिए मरकर दफनाए या जलाए जा चुके हैं और इसलिए मुर्दा अतीत को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता। अतीत का नाम लेने वाले प्रत्येक सुधारक ने इसकी व्याख्या इस प्रकार की कि वह उसके द्वारा सुझाए गए सुधारों के अनुरूप लगे। सुधार तथा उनके दृष्टिकोण प्रायः नवीन होते थे। अतीत के नाम पर केवल उनको उचित ठहराया जाता था। अनेक विचारों को जो आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान से मेल खाते थे या कहा गया कि ये बाद में जोड़े गए हैं, यह गलत व्याख्या के परिणाम हैं, क्योंकि रूढ़िवादी लोग इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं होते थे। इसलिए उनसे
सामाजिक सुधारकों का टकराव हुआ और ये सुधारक कम से कम आरंभिक चरण में धार्मिक और सामाजिक विद्रोहियों के रूप में सामने आए। उदाहरण के लिए रूढ़वादियों द्वारा स्वामी दयानंद के विरोध के बारे में लाला लाजपत राय ने बात लिखी है। स्वामी दयानंद को अपने जीवन में जितने निंदा वचनों तथा उत्पीड़न का निशाना बनना पड़ा उनका अंदाजा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि रूढ़वादी हिंदुओं ने उनकी जान लेने के अनेक प्रयास किए। उनकी हत्या के लिए हत्यारों को भाड़े पर लिया गया। उनकी भाषणों तथा वाद विवाद के बीच न केवल उन पर निषिद्ध वस्तुएं फेंकी गईं, बल्कि उनको ईसाइयों का भाड़े का प्रचारक, धर्म विरोधी, नास्तिक आदि आदि कहा गया। इसी तरह सैयद अहमद खां को भी परंपरावादियों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। उन्हें गालियां दी गईं, उनके विरुद्ध फतवे जारी किए गए तथा जान से मारने की धमकियां तक दी गईं। धार्मिक सुधारों के आंदोलनों के मानवतावादी चरित्र की अभिव्यक्ति पुरोहितवाद तथा कर्मकांड पर उनके हमलों में तथा मानव कल्याण तथा मानव बुद्धि की दृष्टि से धर्म ग्रंथों की व्याख्या के व्यक्ति के आधार पर दिए गए जोर में हुई। इस मानवतावाद की एक खास बात एक नई मानवतावादी नैतिकता थी। इसमें यह धारणा भी शामिल थी कि मानवता प्रगति कर सकती है और करती रही है और अंततः वे भी मूल्य नैतिक मूल्य हैं जो मानव प्रगति में सहायक हों। सामाजिक सुधार के आंदोलन इस नई मानवतावादी नैतिकता के मूर्त रूप थे। हालांकि सुधारकों ने अपने अपने धर्मों में ही सुधार लाने के प्रयत्न किए, मगर सामान्य दृष्टिकोण सर्वव्यापक था। राम मोहन रॉय विभिन्न धर्मों को एक ही सर्वव्यापी ईश्वर तथा एक धार्मिक सत्य के विशिष्ट रूप समझते थे। सैयद अहमद खान ने कहा कि सभी पैगंबरों का एक ही धर्म या दीन था और अल्लाह ने हर कौम को अपना एक पैगंबर भेजा है। इसी बात को केशव चंद्र सेन इस प्रकार रखते हैं, हमारा मत यह नहीं है कि सत्य सभी धर्मों में पाए जाते हैं, बल्कि यह है कि सभी स्थापित धर्म सत्य हैं। शुद्ध रूप से धार्मिक विचारों के अलावा धर्म सुधार के इस आंदोलन ने भारतीयों के आत्मविश्वास, आत्मसम्मान तथा अपने देश पर उनके गर्व को बढ़ाया। उनके धार्मिक अतीत की आधुनिक बुद्धिवादी शब्दों में व्याख्या करके तथा 19वीं सदी के धार्मिक विश्वासों में अनेक भ्रामक तथा बुद्ध विरोधी तत्वों को बाहर फेंक कर इन सुधारकों ने अपने अनुयायियों को अधिकारियों के इस व्यंग का उत्तर देने योग्य बनाया कि यहाँ के धर्म व समाज पतनशील और हीन हैं। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार उभरते हुए मध्य वर्गों का राजनीतिक रुझान था और उन्हें धर्म की खोज उतनी नहीं थी, लेकिन उनमें इच्छा थी कि वह किसी सांस्कृतिक मूल का सहारा ले सकें, किसी ऐसी वस्तु का जो उनको उनकी अपनी शक्ति का अनुभव कराए, कोई ऐसी वस्तु जो कुंठा तथा अपमान की उस भावना को कम करे जो विदेशियों की विजय तथा उनके शासन ने उनके अंदर उपजा दिए थे। धर्म सुधार के आंदोलन ने अनेक भारतीयों को इस योग्य बनाया कि वे आधुनिक विश्व से तालमेल बिठा सकें। वास्तव में उनका जन्म ही पुराने धर्मों को एक नए आधुनिक ढांचे में ढालकर उनको समाज के नए वर्गों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए हुआ था। इस तरह अतीत पर गर्व करके भी भारतीयों ने आम तौर पर आधुनिक विश्व तथा खास तौर पर आधुनिक विज्ञान की मूलभूत श्रेष्ठता को मानने से इनकार नहीं किया। यह सही है
कि कुछ लोगों ने दावा किया कि वह तो केवल मूल प्राचीनतम धर्म ग्रंथों का सहारा ले रहे हैं और इन ग्रंथों की उन्होंने समुचित व्याख्या की। सुधार मूलक दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप अनेक भारतीय जाति धर्म के विचारों पर आधारित एक संकुचित दृष्टिकोण की जगह एक आधुनिक अलौकिक धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाने लगे। हालांकि पहले के संकुचित दृष्टिकोण एकदम समाप्त नहीं हो सके, इसके अलावा अधिकाधिक संख्या में लोग अपने भाग्य को निष्क्रिय रहकर स्वीकार करने तथा मरकर दूसरे जीवन के सुधरने की आफा लगाने के बजाय इसी दुनिया में अपने भौतिक व सांस्कृतिक कल्याण की बातें सोचने लगे। इन आंदोलनों ने बाकी दुनिया से भारत के सांस्कृतिक और बौद्धिक अलगाव को भी कुछ हद तक खत्म किया और विश्वव्यापी विचारों में भारतीयों को भागीदार बनाया। साथ ही साथ वह पश्चिम की हर बात के रोब में नहीं आए और जो लोग आंखें मूंद कर पश्चिम की नकल करते थे उनकी खुलकर हंसी उड़ाई गई। वास्तव में परंपरागत धर्मों व संस्कृति के पिछड़े तत्वों के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण अपनाकर तथा आधुनिक संस्कृति के सकारात्मक तत्वों का स्वागत करने के बावजूद अधिकांश धर्म सुधारकों ने पश्चिम की अंधी नकल का विरोध किया और भारतीय संस्कृति व विचार परंपरा के उपनिवेशीकरण के खिलाफ एक विचारधारात्मक संघर्ष चलाया। यहाँ समस्या दोनों पक्षों के बीच संतुलन स्थापित करने की थी। कुछ लोग आधुनिकीकरण की दिशा में बहुत आगे बढ़ गए तथा संस्कृति संबंधी उपनिवेशवाद को प्रोत्साहित करने लगे। कुछ और लोग थे जो परंपरागत विचारों संस्कृति और संस्थाओं का पक्ष लेते और उनका महिमामंडन करते थे और आधुनिक विचारों व संस्कृति के समावेश का विरोध कर रहे थे। सुधारकों में जो श्रेष्ठ थे उनका तर्क यह था कि आधुनिक विचारधारा तथा संस्कृति को अच्छी तरह तभी अपनाया जा सकता है जब उन्हें भारतीय सांस्कृतिक धारा का अंग बना दिया जाए। धर्म सुधार आंदोलन के दो नकारात्मक पक्षों को भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रथम, ये सभी समाज के एक बहुत छोटे भाग की यानी नगरीय उच्च और मध्य वर्गों की आवश्यकताएं पूरी करते थे। इनमें से कोई भी बहुसंख्यक किसानों तथा नगरों की गरीब जनता तक नहीं पहुंचा और ये लोग अधिकांश परंपरागत रीति रिवाजों में ही जकड़े रहे। कारण यह है कि ये आंदोलन मूलतः भारतीय समाज के शिक्षित व नगरीय भागों की आकांक्षाओं को ही प्रतिबिंबित करते थे। इनकी दूसरी कमी तो आगे चलकर एक प्रमुख नकारात्मक प्रवृत्ति बन गई। यह कमी पीछे घूमकर अतीत की महानता का गुणगान करने तथा धर्म ग्रंथों को आधार बनाने की प्रवृत्ति थी। यह बात इन आंदोलनों की अपनी सकारात्मक शिक्षाओं की विरोधी बन गई। इसने मानव बुद्धि तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण की श्रेष्ठता के विचार को ही धक्का पहुंचाया। इससे नए नए रूपों में रहस्यवाद तथा नकली वैज्ञानिक चिंतन को बल मिला। अतीत की महानता के गुणगान ने एक झूठे गर्व तथा दंभ को बढ़ावा दिया। अतीत में एक स्वर्ण युग पाने की इच्छा के कारण आधुनिक विज्ञान को पूरी तरह नहीं अपनाया जा सका और वर्तमान को सुधारने के प्रयत्नों में बाधा पड़ी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे हिंदू, मुसलमान, सिख और पारसी फूट के शिकार होने लगे। ऊंची तथा नीची जातियों के हिंदुओं में भी दरार पड़ने लगी। अनेक धर्मों वाले एक देश में धर्म पर जरूरत से ज़्यादा जोर देने से फूट की प्रवृत्ति बढ़नी स्वाभाविक थी।
इसके अलावा सुधारकों ने सांस्कृतिक धरोहर के धार्मिक दार्शनिक पक्षों का एक तरफा जोड़ दिया। फिर ये पक्ष सभी लोगों की साझी धरोहर भी नहीं थे। दूसरी तरफ कला, साहित्य, संगीत, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि पर पूरा जोर नहीं दिया गया, हालांकि इनमें जनता के सभी भागों की बराबर भूमिका रही थी। इसके अलावा हर एक हिंदू सुधारक ने भारतीय अतीत के गुणगान को प्राचीन काल तक सीमित रखा। स्वामी विवेकानंद जैसे खुले दिमाग के व्यक्ति तक ने भारत की आत्मा या भारत की उपलब्धियों की चर्चा केवल इसी अर्थ में की, ये सुधारक भारतीय इतिहास के मध्यकाल के मूलतः पतन का काल मानते थे। यह विचार अनैतिहासिक ही नहीं थी बल्कि सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से हानिकारक भी था। इससे दो कौमों की धारणा पनपी। इसी तरह प्राचीन काल और प्राचीन धर्मों की अनौपचारिक प्रशंसा को निचली जातियों के लोग भी बचा नहीं सके, जो सदियों से उसी विध्वंसक जाति प्रथा के दमन के शिकार रहे, जो ठीक उसी प्राचीन काल की उपज थी। इस सब का परिणाम यह हुआ कि सभी भारतीय अतीत की भौतिक सांस्कृतिक उपलब्धियों पर समान रूप से गर्व करने और उससे प्रेरणा प्राप्त करने के स्थान पर अतीत कुछ एक लोगों की संपत्ति बनकर रह गया। इसके अलावा अतीत भी अनेक खंडों में विभाजित होने लगा। मुस्लिम मध्य वर्ग के अनेक लोगों ने तो अपनी परंपरा और अपनी धरोहर को पश्चिमी एशिया के इतिहास में खोजना आरंभ कर दिया। हिंदू, मुसलमान, सिख और पारसी तथा बाद में निचली जाति के हिंदू, ये सब सुधार आंदोलनों से प्रभावित हुए थे, मगर अब ये एक दूसरे से कटने लगे। दूसरी तरफ सुधार आंदोलनों के प्रभाव से दूर रहकर परंपरागत रीत रिवाजों को मानने वाले हिंदुओं और मुसलमानों में आपसी भाईचारा बना रहा, हालांकि वे अपने अपने कर्म कांड का पालन करते रहे। एक समन्वित संस्कृति के विकास की वह प्रक्रिया जो सदियों से चली आ रही थी, उस पर इस कारण से कुछ अंकुश लगा। हालांकि दूसरे क्षेत्रों में भारतीय जनता के राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया तेज हुई। इस प्रवृत्ति का दुष्परिणाम तब स्पष्ट हो गया जब यह पाया गया कि मध्य वर्गों में राष्ट्रीय चेतना के तीव्र विकास के साथ साथ एक और चेतना अर्थात सांप्रदायिक चेतना का विकास भी हो रहा था। आधुनिक काल में सांप्रदायिकता के विकास के अनेक दूसरे कारण भी थे, परंतु अपनी प्रकृति के कारण धर्म सुधार के आंदोलनों ने निश्चय ही इसमें कुछ योगदान किया। अब हम सामाजिक सुधार को पढ़ेंगे। 19वीं सदी के राष्ट्रीय जागरण का मुख्य प्रभाव सामाजिक सुधार के क्षेत्र में देखने को मिला। नव शिक्षित लोगों ने बढ़ चढ़कर रूढ़वादी सामाजिक रीतियों तथा पुरानी प्रथाओं से विरोध किया। वे अब बुद्धि विरोधी और अमानवीय सामाजिक व्यवहारों को और सहने को तैयार न थे। उनका विद्रोह सामाजिक समानता तथा सभी व्यक्तियों की समान क्षमता को मानवतावादी आदर्शों से प्रेरित था। समाज सुधार के आंदोलन में लगभग सभी धर्म सुधारकों का योगदान रहा। कारण यह कि भारतीय समाज के पिछड़ेपन की तमाम निशानियों जैसे जाति प्रथा या स्त्रियों की असमानता को अतीत में धार्मिक मान्यता प्राप्त रही है। साथ ही सोशल कॉन्फ्रेंस, भारत सेवक समाज जैसे कुछ अन्य संगठनों तथा ईसाई मिशनरियों ने भी समाज सुधार के लिए काफ़ी काम किया। ज्योतिबा गोविंद फुले, गोपाल हरि देशमुख, जस्टिस राणा डे, के टी तेलंग, बी एम मालाबारी, डी के करवे, शशिपद बनर्जी, बिपिन चंद्रपाल, वीरेश लिंगम, ई वी रामास्वामी नायर, पेरियार और भीमराव अंबेडकर तथा दूसरे प्रमुख व्यक्तियों की भी एक प्रमुख भूमिका रही। 20वीं सदी में
और खासकर 1919 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन समाज सुधार का प्रचारक बन गया। जनता तक पहुंचने के लिए सुधारकों ने प्रचार कार्य में भारतीय भाषाओं का अधिकाधिक सहारा लिया। उन्होंने अपने विचारों को फैलाने के लिए उपन्यासों, नाटकों, काव्य, लघु कथाओं, प्रेस तथा 1930 के दशक में फिल्मों का भी उपयोग किया। 19वीं सदी के कुछ मामलों में समाज सुधार का कार्य धर्म सुधार से जुड़ा था, मगर बाद के वर्षों में यह अधिकाधिक धर्मनिरपेक्ष होता गया। इसके अलावा रूढ़वादी धार्मिक दृष्टिकोण वाले अनेक व्यक्तियों ने भी इसमें भाग लिया। इसी तरह आरंभ में समाज सुधार बहुत कुछ ऊंची जातियों के नवशिक्षित भारतीयों द्वारा अपने सामाजिक व्यवहार का आधुनिकीकरण पश्चिमी संस्कृति व मूल्यों के साथ तालमेल बिठाने के प्रयासों का परिणाम था, लेकिन धीरे धीरे इसका क्षेत्र व्यापक होकर समाज के निचले वर्गों तक फैल गया और यह सामाजिक क्षेत्र की क्रांतिकारी पुनर्रचना करने लगा। कालांतर में सुधारकों के विचारों व आदर्शों को लगभग सार्वभौमिक मान्यता मिली तथा आज वे भारतीय संविधान के अंग हैं। समाज सुधार के आंदोलनों ने मुख्यतः दो लक्ष्यों को पूरा करने के प्रयास किए। पहला, स्त्रियों की मुक्ति तथा उनको समान अधिकार देना तथा दूसरा, जाति प्रथा की जड़ताओं को समाप्त करना तथा खासकर छुआछूत का खात्मा। तो यहाँ पर आपका ये पार्ट समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के तीसरे पार्ट को पढ़ेंगे। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।